सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना की लिस्ट आई है, एमएलएस की 119 एमएलएस की लिस्ट आई है। केसीआर साहब दो एरियों से लड़ रहे हैं। केसीआर साहब को बहुत बहुत मुबारक। सर, ये 119 एमएलएस में एक एमएलए जो बोधन के शकील साहब है उनको मिली है, और दो सीटा जो है बिल्कुल नहीं के बराबर है, वो मतलब एक ही सीट। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान इतना कमज़ोर है तेलंगाने में, या मुसलमान है इतने तेलंगाने में, क्यों इस तरीके से सर इतना? केसीआर सर, आपका तो जहन बहुत साफ है हर एक के लिए, खास माइनॉरिटी मुस्लिम के लिए, क्यों ऐसा? मैं भी 114 साल दिया सो हूँ आपको, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, आपकी पार्टी के पीछे, प्रॉपर्टी दिया हूं, पैसा लाखों रुपए लगाया हूं, कई प्रोग्राम करा हूं, आपके कई स्कीम घरों तक पहुंचाऊ, एक रुपए का आपका रवादार नहीं। सर, इस तरीके से आप करेंगे ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। दो टर्म हुआ ऐसा, अब आप क्या बताएंगे? मैनिफेस्टो में क्या डालेंगे? 12% डालेंगे? वक्त को जुडिशियल पावर बोल के डालेंगे, या 5000 करोड़ बजट डालेंगे, या उर्दू को हर मंडल पहुंचाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट पहुंचाऊंगा, हर मंडल पहुंचाऊंगा, या मेट्रो लेके आएंगे ओल्ड सिटी में, हजार जितने भी है सो माइनॉरिटी फाइनेंस है, माइनॉरिटी है सो कमीशन है, माइनॉरिटी फलाना है, उर्दू है, ये सब इसी तरीके से देखेंगे? रेस्ट कोर्स हट गया वहां से, चंचलगुड़ा जेल हट गई वहां से, उस्मानिया हॉस्पिटल बन गया, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, कई 12% के हिसाब से नौकरियां मिल गए, घर मिल गया उनको, ओल्ड सिटी में रोड वाइंडिंग हो गई, क्या है सर ये? क्या मुसलमान इतना कमजोर समझ रहे हैं? अरे, 1 करोड़ के करीब मुसलमान है तेलंगाने में, नहीं करना चाहिए सर। आप तो नहीं करना चाहिए ऐसा। मुसलमान आपका इतना साथ दिया, दो टर्म भी है सो कोई मुसलमान है सो दूसरी पार्टी की तरफ देखा नहीं, सिर्फ केसीआर फैमिली, केसीआर साहब बस यही बात करा, बीआरएस टीआरएस यही बात करते आज तक वही। और हम भी पब्लिक में एक ही बात बोले, नहीं भाई, हमारा सीएम जबरदस्त आदमी है, उनके पास कोई फीलिंग नहीं है, इंशाल्लाह आज 12% नहीं मिला कल मिलेगा बराबर ना, 12% की बात होती ना, इलेक्शन में है तो कुछ सीटा है तो कम से कम 10-12 सीट तो मुसलमानों को आप फौरी एक ऐड कर लेते, बोधन की सीट उधर की, उसके बाद 7 सीटा आ रही, ये 7 सीटा हमारी नहीं है सर, वो एमआईएम के है, वो कभी भी आपके सामने ठहर सकते हैं। अगर आप है सो अपने लोगों को अगर ठहराएंगे, अपने एमएलओं को है सो आप लेंगे, उनको सीट देंगे असेंबली में, उनका एक बड़ा आपका आपका सपोर्ट बनेंगे सर वो लोग। अगर इस तरीके से करेंगे सर, मुसलमानों को इस तरीके से ख़त्म करेंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा सर, बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं आपका साथ दिया हूँ, दिल से साथ दिया हूँ, बराबर हर तरीके से साथ दिया हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दिया मगर मैं आपका बराबर साथ दिया। आज भी मेरी बिल्डिंग आप ही के नाम से बीआरएस भवन है। नहीं करना चाहिए सर ऐसा, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं मुसलमानों को। आप इमीडिएट है सो अपना ये फैसला जो है 10-12 सीट 15 सीट का फौरी है सो मुसलमानों के लिए भी आप है सो बात करिए, मुसलमानों को भी सीट दीजिए। ये इलेक्शन आसान नहीं है, ये इलेक्शन बड़ी मेहनत करना है, हमको भी करना है, आपको भी करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मुसलमान, मैं समझता हूँ मुसलमान आपके पास से हट जाएंगे। अगर आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे तो मैं बता दूंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट फिर के बता दूंगा कि भाई इंशाल्लाह अपन बीआरएस को वोट डालेंगे, और सीएम साहब अब जो मैनिफेस्टो में अब जो डालेंगे वो वादे पूरे होंगे। करिए सर प्लीज, क्योंकि आप इतना इजी में मत लीजिए मुसलमानों को, वो दिल से जान दिल और दिल से आपको चाहते हैं, आप पे जान देते हैं, आपकी फैमिली को चाहते हैं, तो आप भी है सो उनका ख्याल करें और उनको फौरी है सो कम से कम 10-12 सीट है सो उनको दीजिए, ताकि है सो हम भी मुतमईन रहे कि हमारी पार्टी हमारे को मुतमईन करी।
चलिए सर, अगर इस तरीके से अगर यही काम कर चलते रहेगा तो आगे फ्यूचर मुसलमानों का तेलंगाना में कुछ नहीं है। सोचना ही बेकार है कि भाई ये पार्टी 10 साल कुछ नहीं करी, आगे भी कुछ करी, वो 1 लाख दे दिए, अब माइनॉरिटी को या पेंशन बढ़ा देंगे आसरा स्कीम में। ये चाहिए नहीं चाहिए सर, हमको हमारा हक चाहिए। अगर आप हक देने की बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ देंगे, हक नहीं देने की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपके बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल AM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।